स्टूडेंट्स टुडे विल कंटिन्यू विद द आइडियल गैस एंड रियल गैस, आइडियल एंड रियल गैस। सो फर्स्ट हम करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडियल एंड रियल गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस, एनी गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो एनी गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज नोन एज आइडियल गैस। हर टेम्परेचर प्रेशर पर अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, एंड इफ एनी गैस does not follow PV is equal to nRT means ideal gas equation at all temperature and pressure, that is known as real gas which does not follow or does not obey ideal gas equation at all temperature and pressure। सभी temperature पर नहीं, but कुछ particular temperature और pressure पर करेगी, उसे हम कहते हैं रियल गैस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। जैसे कोई पर्सन आइडियल नहीं होता, ऐसे कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है, और हर गैस रियल है। एवरी गैस इज रियल। तो फिर हम कहेंगे कि अब तक तो हमने केवल पी वी इक्वल टू एनआरटी ही पढ़ा है, और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो अभी उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि वाई कोई भी मीन्स वाई एनी गैस डज नॉट फॉलो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हर एक टेम्परेचर पर पी वी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर वो फॉलो कर जाए तो क्या बन जाएगी? आइडियल। इसका मतलब कोई भी गैस आइडियल क्यों नहीं है? और दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको कि रियल गैस में क्या होता है। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो होता है, बट कब? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉलो होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आइडियल गैस तो कोई हुई नहीं, इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कब फॉलो होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, क्योंकि एट ऑल टेम्परेचर एट हमने पहले बोल दिया है कि हमने जस्ट एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी चीज हो गई। आइडियल गैस क्या हो गया? इमेजिनरी, कि ऐसी गैस आप टेम्परेचर जो मर्जी कर दो, बहुत हाई करो बहुत लो करो, प्रेशर को बहुत हाई कर दो बहुत लो कर दो, ये सब जगह फॉलो कर जाएगा, वो तो आइडियल गैस। एक्चुअल में वो गैस होती ही नहीं है। ऐसी गैस कोई है ही नहीं जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को हर टेम्परेचर पर फॉलो करे। बट रियल गैस वो होगी जो हर टेम्परेचर या प्रेशर पर फॉलो ना करे। कब फॉलो करे? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और हर गैस रियल गैस है, इसका मतलब हर गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो तो करेगी, बट कब फॉलो करेगी? जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा और टेम्परेचर जो है वो लो होगा, सॉरी टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो क्यों होता है, और टेम्परेचर कम करने पर और प्रेशर बढ़ाने पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो क्यों नहीं होता है, उसको हमें यहां भी डिटेल में समझना है। तो उसी को समझेंगे पहले। अब देखो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कैसे आया है। पता चल आपको, देखो आपने देखे हैं पीछे वाले यहाँ पर वीडियोस, पता होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तीन लॉज को कंबाइन करके बनाया है। कौन कौन से लॉज थे वो? फर्स्ट लॉ वाज बॉयल्स लॉ, ठीक है, सेकंड वाज चार्ल्स लॉ, एंड थर्ड वाज एवोगैड्रो लॉ। इन तीनों लॉज को कंबाइन करके क्या बनाया हमने? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब जरा ध्यान देना है, ये तीनों साइंटिस्ट ने जब अपने अपने लॉज दिए तो इन्होंने गैस के बारे में कुछ एज्यूम किया था। वो क्या एज्यूम किया था? इन्होंने ये माना था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं ना, इनके बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है, देर इज़ ए लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने सपोज की थी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, टोटल
वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज वेरी वेरी लेस की पार्ट देखो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चलो देता हूं यहां पर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल मीन्स जरा समझना इसको इन दो चीजों को समझने के बाद ही आपको समझ आएगा कि कैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हर टेम्परेचर पर फॉलो नहीं होगा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर फॉलो क्यों होता है। देखो ये तीनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने लॉज को कंबाइन करके बनाया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और तीनों लॉज किस बात पर बेस्ड थे इनका ये मतलब था कहने का कि जैसे मान लो आपके पास ये वेसल है तो इस वेसल में जो गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ठीक है। और नॉर्मली जो हमारी गैसेस होती हैं वन एटमॉस्फेयर पर मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैसेस हैं उसमें बहुत डिस्टेंस होता है। देखो उसका रीज़न आप उसको प्रूव भी कर सकते हो मैं अगर अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि देखो गैस तो है इस एयर में गैस है कुछ भी ये वैक्यूम नहीं है बट मैं अपने हैंड्स को फ्रीली मूव कर रहा हूँ मेरी कोई एनर्जी नहीं लग रही है वो क्यों क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं। अगर वो बंधे होते जैसे मान लो ये है बीच में ये रास्ते में आता तो मैं अपने हैंड को इसके जो है ना इसको मैं दूर नहीं कर सकता था मीन्स कि मेरा हाथ इसमें से पार नहीं होता क्यों पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स था अगर करना पड़ता तो बहुत हाई एनर्जी लगती बट अभी एनर्जी नहीं लग रही है इससे प्रूव ये हो रहा है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत लार्ज स्पेस है और बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये चीज़ मानी इन्होंने कि गैस ऐसा कुछ मैटर है जिसके पार्टिकल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। दूसरा ये भी मानना उन्होंने देखो अब तक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी कि ना व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस गैस का वॉल्यूम वो होता है जो उसके वेसल का वॉल्यूम है मीन्स जहाँ रख दो वही आपने इस गैस को रखा इस वेसल में ये इसका वॉल्यूम आप इससे बड़े वेसल में इसी गैस को ट्रांसफर कर दो वो उसका वॉल्यूम तो गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है जिस चैम्बर में जिस वेसल में रखोगे वो उसका वॉल्यूम है। और इन साइंटिस्ट ने ये भी माना था कि इन पार्टिकल्स का जो टोटल वॉल्यूम है पार्टिकल्स का नोट द गैस देखो ये थोड़ा अलग चीज़ है यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि गैस का वॉल्यूम जो वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होगा ये पार्टिकल्स का वॉल्यूम को हम गैस का वॉल्यूम नहीं बोलेंगे ये पार्टिकल्स का वॉल्यूम है इनके। गैस का वॉल्यूम क्या है गैस का वॉल्यूम जो भी वेसल है उसके इक्वल कहा जाएगा। अब देखो जरा इन्होंने क्या कहा पार्टिकल साइंटिस्ट ने कि ये जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है ना ये इस टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है मींस अगर ये टोटल वॉल्यूम है तो इन सबको इकट्ठा करोगे मान लो सब पार्टिकल मान लो दोबारा से बनाता हूँ मैं ये ऐसा ही चैम्बर दोबारा बना दिया और मैंने इन सब पार्टिकल्स का वॉल्यूम इकट्ठा किया तो इतना सा आया बस इतना बनेगा वो उन्होंने सपोज किया भाई चलो इतना मान लो आप और इसके कंपेरिजन में ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल है ना के बराबर ठीक। ये दो चीज़ें अज्यूम करने के बाद ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बना था। तो अब जरा ध्यान देना अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर लो है दोनों कंडीशन का होना ज़रूरी है क्योंकि देखो जब आपका टेम्परेचर हाई होगा ठीक है ना तो पार्टिकल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी होगी उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे और दूसरी चीज़ प्रेशर लो है क्योंकि देखो जरा समझना यहाँ ये मान लो पिस्टन है अभी आपका लो प्रेशर है तो पार्टिकल दूर दूर ऐसे ऐसे हैं ठीक है पार्टिकल ऐसे दूर दूर हैं ये पिस्टन था ये लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है ठीक है। अब आप क्या करो दोबारा से इसी पिस्टन में क्या करो टेम्परेचर कम कर दो और प्रेशर बहुत हाई कर दो मीन्स ऊपर से प्रेशर लगाओ आप तो ये वेसल के ये आपका जो प्रेशर लगाने से क्या है पिस्टन नीचे आ जाएगा अब पार्टिकल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और जरा ध्यान देना अब क्या होगा देखो जब ये पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी ठीक। अब देखो ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है क्या इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी फोर्स का फैक्टर यूज किया गया है मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है क्योंकि देखो हम पढ़ चुके हैं ये शुरू में पढ़ा था मैं फर्स्ट वीडियो में ही कि जब पार्टिकल्स नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन जैसे चाहे वंडरवॉल अट्रैक्शन मीन्स वो लंदन फोर्स
या डाइपोल डाइपोल मोमेंट, कोई भी ऐसी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी नज़दीक आने पर। जब दूर दूर थे तो ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं हुई, इसीलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टिकल को बहुत नज़दीक ले आते हो तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, उनमें क्या हुआ, लार्ज डिस्टेंस नहीं बचा जिस बेसिस के ऊपर ये पीवी इक्वल टू एनआरटी बना था, क्योंकि तीनों लॉज ने क्या कहा था कि गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत लार्ज गैप है। लेकिन जब आप पार्टिकल को नीचे ले आए, इनको दबा दिया, इनको प्रेस किया, कंप्रेस किया बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, पार्टिकल नज़दीक आ गए, इनके बीच में गैप भी बहुत कम हो गया, तो एक चीज़ गलत हो गई। दूसरी चीज़ जो साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल, यानी कि जितना ये वॉल्यूम है सारा का सारा क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम। लेकिन अगर आप, मैं मान लो इन सभी पार्टिकल को बढ़ा दूं ऐसे, अब मैंने गैस के पार्टिकल बढ़ा दिए और अब टोटल वॉल्यूम जो है गैस का इतना आ गया, मैं सब मिला जुला करके इतना वॉल्यूम आ गया, तो देखो अब गैस का वॉल्यूम क्या होगा। एक्चुअल में गैस का वॉल्यूम ये पूरे वेसल का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर लिया है, अब ये वॉल्यूम गैस के पास अवेलेबल नहीं है। देखो मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो आप एक रूम के अंदर हो, एक रूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वो सारा वॉल्यूम किसका है, उस रूम का। लेकिन अगर आप उस रूम में एंटर कर जाते हो तो कुछ वॉल्यूम आपने भी ले लिया, तो क्या हो गया, रूम का वॉल्यूम कम हो गया, और उस जितनी आप अगर उसमें और पर्सन एंटर करते जाएंगे तो वो रूम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे और रूम में से उतनी ही गैस डिस्प्लेस भी होगी, गैस बाहर भी चली जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, अगर आपने पार्टिकल को नज़दीक ले आए तो क्या हो गया, उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो ये नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, अब वॉल्यूम तो कम हो गया और पार्टिकल जो बढ़ गए, पार्टिकल बढ़ने से क्या है, अब इनका कुछ वॉल्यूम हो गया जो कि अब नेग्लिजिबल नहीं है, तो अब गैस का वॉल्यूम क्या होगा, अब गैस का वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम में से, ये टोटल वॉल्यूम आया है इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम है जो भी आएगा, इसको मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स को सब्ट्रैक्ट या माइनस करना पड़ेगा तो आपके पास वॉल्यूम आएगा। लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कोई ऐसा फैक्टर नहीं लिया गया है, वहां तो यही कहा गया था कि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है, और जो वॉल्यूम कंटेनर का है, देखो हमने जो क्वेश्चन भी किए थे कि हमने कहा कि कोई वेसल 120 ml का है तो हमने वही गैस का वॉल्यूम माना था। लेकिन अगर आप पार्टिकल को बहुत, मतलब कि पार्टिकल बहुत नज़दीक आ जाते हैं और उनका वॉल्यूम की कुछ सिग्निफिकेंस हो जाती है, कुछ वैल्यू आती है, तो आपके गैस का वॉल्यूम उन पार्टिकल के वॉल्यूम में से निकालने के बाद आएगा और वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है ये केवल हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही काम करेगी। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से एक तो क्या चीज़ हो जाएगी, आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरी चीज़, जो गैस का ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। वो क्यों, देखो हमने ठीक है ये तो बड़ा कम तो हुआ ही हुआ, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम भी कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से हमें पार्टिकल के वॉल्यूम को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम गैस का वॉल्यूम वो मानते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है। आप कंटेनर के अंदर इतने पार्टिकल आ गए, इस वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। इन सब चीजों की वजह से हमने यहां पर डिस्कस किया कि हमारे पास दो टाइप की गैसेस हो गई, रियल गैस और आइडियल गैस। रियल गैस वो होती है जो हाई टेंपरेचर और लो प्रेशर पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करे, और सभी गैसेस रियल गैसेस हैं। और आइडियल गैस वो है जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हाई टेंपरेचर, सॉरी एट ऑल टेंपरेचर एंड प्रेशर फॉलो करे, और कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। देखो नॉन आइडियल गैसेस दो टाइप की होती है, मीन्स एक आइडियल हो गया जो फॉलो करती है, जो फॉलो नहीं करती वो जो बिहेवियर है दो टाइप का होता है। मीन्स देखो जब हम कोई लॉ बनाते हैं और कहीं पर जाकर के वो फेल होता है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो उस लॉ से हाई वैल्यू आएगी या उससे लो आएगी। जैसे ये हमारे पास है पी वी
इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब जो वैल्यू प्लस पी प्लस वी अगर 100 है तो एन इंटू आर इंटू टी भी 100 होगा। ये तो चलो पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉलो कर दिया, अगर गैस इसे फॉलो करती है नो प्रॉब्लम, बट अगर आप टेम्परेचर बहुत लो कर दो, प्रेशर बहुत हाई कर दो तो ये फॉलो नहीं करेगी। और जरा ध्यान देना, इस कंडीशन में हमारे पास टू टाइप की डिविएशंस आ जाएंगी। डिविएशन का मतलब होता है नॉर्मल जो रूटीन है उससे हट जाना, उससे अलग करना, जैसे ये नॉर्मल रूटीन था पी वी इक्वल टू एन आर टी, बट नाउ ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, नेगेटिव का मतलब होता है जो हमने एक्सपेक्ट किया है बाय अप्लाइंग द रूल उससे कम। अब सुनो, हमारे पास दो टाइप की डिविएशन आती हैं, एक होती है नेगेटिव डिविएशन और एक होती है पॉजिटिव डिविएशन। सो विच गैस विल शो पॉजिटिव डिविएशन एंड विच गैस विल शो नेगेटिव डिविएशन, हमें वो डिस्कस करना है। देखो जरा ध्यान देना, अगर किसी हमें मान लो आपने क्या किया पी वी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो कर, मतलब आपने अप्लाई किया तो रियल आपने तो निकाल लिया पी वी इक्वल टू एन आर टी से वॉल्यूम, वो कैसे निकलेगा देखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी से वी है ना ये, तो वी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाय पी, ठीक है। अब ये तो आपने न्यूमेरिकली अप्लाई कर दिया और आपके पास मान लो वैल्यू आ जाती है 150, फॉर एग्जांपल 150 वैल्यू आ गई, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया लैब में देन यू कैन फाइंड टू थिंग्स, क्योंकि पी ये तो तभी आएगा जब आपका वो गैस रियल होगी, ठीक, लेकिन वो वैल्यू ये तो ये आई आपकी न्यूमेरिकल से, बट प्रैक्टिकली ये वैल्यू 150 से ऊपर 160 भी आ सकती थी और 140 भी, मीन्स इससे ऊपर नीचे आ सकती है। अब अगर यही चीज़ हो कि आपकी जो वैल्यू है, मतलब कि द वॉल्यूम शोन बाय द पी वी इक्वल टू एन आर टी इज लेस देन एज कैलकुलेटेड बाय द पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो होती है नेगेटिव डिविएशन, जो गैस का वॉल्यूम कम आए एज देन एक्सपेक्टेड बाय द पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो गैस शो करेगी नेगेटिव डिविएशन। द गैस विच शोज लेस वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू द पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट विल शो नेगेटिव डिविएशन। और अगर वॉल्यूम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के एक्सपेक्ट से ज़्यादा आ रहा है, द वॉल्यूम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग बाय यूजिंग पी वी इक्वल टू एन आर टी, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, उसी हम कहेंगे गैस शो करती है पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। तो इन नेगेटिव डिविएशन लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू पी वी इक्वल टू एन आर टी, इन द पॉजिटिव डिविएशन इट विल शो मोर डिविएशन एज कंपेयर टू पी वी इक्वल टू एन आर टी। और कैसे पता चलेगा कि कोई गैस पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन शो करेगी, तो हमारे पास होता है एक फैक्टर, उसे बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड से शो करते हैं उसको हम। तो देखो जेड क्या होगा, ये पी वी इक्वल टू एन आर टी से ही बना है। देखो आप एक काम करो, जेड इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाय एन आर टी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाय एन आर टी, अगर देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा तो जेड की वैल्यू 1 आएगी, तो गैस क्या हो गई, आइडियल गैस, दैट गैस इज आइडियल, इट विल नॉट शो एनी डिविएशन। बट आपने जेड को लगाया और वैल्यू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की मोर देन 1 आती है, मीन्स 1.1 आ गई। तो देखो ये ऊपर क्या है पी वी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी तो वैल्यू फालतू आएगी 1.1 जेड की, इस इट मीन्स अगर जेड की वैल्यू 1 आ रही है नो डिविएशन, इफ़ जेड की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है पॉजिटिव डिविएशन, एंड इफ जेड वैल्यू पी वी डिवाइड बाई एन आर टी इट इज लेस देन 1.09, तो क्या हुआ, देखो ये फालतू होगा ना और ये कम होगा तभी वैल्यू 0.9 आई होगी, 1/1 ठीक, लेकिन ये मोर होगी इससे तो 0.9 आ गया। तो जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब डिविएशन क्या है, नेगेटिव। तो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पता लगा सकते हैं कि आपकी जो गैस है वो पॉजिटिव नेगेटिव या आइडियल बिहेवियर शो करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो देखो अब इस वीडियो में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन को स्टडी किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द वंडरवॉल इक्वेशन। एक्चुअल में देखो
यहाँ पर कुछ कमियाँ रह गई थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की, कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हर टेम्परेचर या प्रेशर पर फॉलो नहीं होता। तो इसके बाद साइंटिस्ट ने एक नई इक्वेजन वंडरवॉल इक्वेजन को डेवलप किया, वो वंडरवॉल ने ही डिराइव की थी, और वो ऐसी इक्वेजन है जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो होती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।